हेलो एवरीवन लेट्स लेट्स रायन कवर द बुक लिस्ट फॉर आरबीआई टुडे सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंड व्हेन यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस देन कोर्स यू वांट कि सारी बुक लिस्ट मेरे को पता लग जाए सब कुछ मुझे समझ आ जाएगा तो मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा बट देन वैन यू स्टार्ट स्टार्टिंग फ्राम दिस बुक्स यू रियलाइज कि ये तो बहुत मोनाटोनस एक्टिविटी है नॉन द लेस वी हैव टू नो बुक लिस्ट क्या है कैसे तैयारी करनी है हाउ डू यू प्रिपेयर वॉट नॉट टू डू वट नॉट टू रीड वॉट टू रीड और उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सो दैट योर प्रिपरेशन इज टॉप नॉच यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम ऑन बुक्स दैट आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फेज टू से स्टार्ट करेंगे आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद फेज फॉर द सिंपल रीजन कि आपका जो सिलेक्शन है वो फेज टू से होने वाला है एंड वी स्टिल हैव अबाउट सेवन एट मंथ्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम सो इट मेक्स मोर सेंस टू स्टार्ट विद फेज टू फेज वन से स्टार्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद बोथ द फेजेसाटेनियसली आपने एक सब्जेक्ट फेज टू का उठा लिया एक सब्जेक्ट फेज वन का उठा लिया पहले फेज टू की बात करते हैं लेट स्टार्ट विद इश्यूज जिसको हम ई भी बोलते हैं इट इज द सेम एज इंडियन इकोनॉमी सो ऑल दूपीएससी एस्पेरियंस ऑफ दर बैंकिंग एस्पेरियंट जिनको समझ नहीं आता है दिस इज फॉर यू इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इज द सेम एज इंडियन इकोनॉमी एग्जैक्टली द सेम इसमें दो बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं आई टेल यू द डिफरेंस इन अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव इज वेल वन इज नितिन सिंघानिया हु आई ए एस ऑफिसर हुटली ऑन इंडियन इकोनॉमी बुक, गुड बुक आई फाउंड इट बेटर देन रमेश सिंह तो आई थिंक ये उठा सकते हो कुछ चैप्टर्स इसमें मिसिंग मिलेंगे लगेंगे तो वो आपको रमेश सिंह से उठाने पड़ेंगे वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी नॉ दिस इज फॉर अ बेसिक आइडिया अबाउट बेसिक ऑब्लिक डिसेंट आईडिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी यू कैन सप्लीमेंट विद बुक विद श्री राम मटीरियल ऑल्सो तो श्री राम का ना आई एस का मटीरियल आता है आई ए एस का मटीरियल आता है यूपीएससी का ऑन इकॉनमी यू कैन रेफर दैट एज वेल ओके ये हो गई हमारी दो बुक्स और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पी एच डी करने का बड़ा शौक होता है वे वेस्ट आदि देर ऑल अराउंड आस

इंडियन इकोनॉमी की डेप्थ में जाना है तो इससे बढ़िया किताब आपको नहीं मिलेगी बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में यू शुड बी रेफरिंग टू दिस बुक ये हो गई हमारी की books, का नीचे आते हैं uh, one, ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है इन दी फेज टू ऑफ आर बी आई एग्जामिनेशन ऑल दी आर नाउ कंपल्सरी कोई भी ऑप्शन नहीं है तो प्लीज पुरानी वीडियोस जो डली हैं बहुत सारे लोगों की या बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड देर इज नो ऑप्शन अवेलेबल एनी मोर फाइनेंस की अगर हम देखें मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको जाना है आरबीआई वेबसाइट पे नो आरबीआई वेबसाइट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज और जब कन्फ्यूज हो जाओगे तो पढ़ाई छोड़ दोगे इसीलिए कन्फ्यूज नहीं होना है दो ही चीज उठानी है आरबीआई वेबसाइट से नंबर वन देर इज अ बुक यूज करी जाती है पढ़ाई जाती है वेन यू गैट सेलेक्टेड इन आर बी आई एंड दिस हैज एवरी थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट आर बी आई सब कुछ इसमें है बहुत यूजफुल बुक है मेजोरिटी आपका फाइनेंस का सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा सेकेंड बुक जो है या फिर सेकेंड जो सोर्स है आर बी आई वेबसाइट पे दैट इज आर बी आई के एफेक्यूज फ्रीकेंटली आज

बिलीव के हमले को खुद ही तैयारी करनी है कोचिंग एनी गाइडेंस प्रोग्राम तो आपको ये सोर्सेज यूज करने हैं इफ़ यूर गोइंग फॉर एनी गाइडेंस प्रोग्राम कोचिंग में जा रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो फिर ये सारी चीजें मैं कवर कर ही रहा हूँ आपके लिए यू डोंट हैव टू पिक अप हैल्फ एज वेल इसके साथ यू कैन एंड यू शुड पिक अप दिस बुक कॉल्ड एज भारती वी पाठक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बुक का नाम है

थर्ड पे आते हैं उसमें भी हम लाइव तो करते हैं सो कैन डू दैट वेल। थर्ड आते हैं मैनेजमेंट well. सबसे पहले देर आर टू सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं ओके ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पब्लिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन दोनों की ही यू विल गेट बुक्स बाय टी एन छाबड़ा एमेजॉन पे मिलेंगी टी एन छाबड़ा एंड सी बी गुप्ता आई वुड रेकमेंड बिकॉज यूज स्टार्टिंग प्रिपरेशन ना हो तो दोनों ही रखनी चाहिए दोनों सब्जेक्ट की अलग अलग ओके प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक स्टूडेंट यह मिस्टेक करते हैं खाली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मंगा ली

स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट एंड दे कहा से पढ़ना है इसकी दो बुक्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं विच आर द बेस्ट दोर्स अकॉर्डिंग टू मी सी एस कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन मतलब फर्स्ट लेवल उसकी एक किताब है इट इज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री यू कैन रेफर दैट बुक मैं भी उसी से पढ़ाने वाला हूँ बुक का नाम मैं बता देता हूँ आपको बिजनेस एथिक्स एंड ऑनटरप्रिनशिप बिजनेस एथिक्स एंड entrepreneurship ठीक है तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है एथिक्स uh, ये थोड़ी ब्रीफ है इसमें एथिक्स का एक ही चैप्टर आई थिंक चैप्टर एट और चैप्टर सेवन एक ही चैप्टर एथिक्स का विच इज अबाउट टेन फिफ्टीन पेजेस तो एक कम रहेगा मेरे हिसाब से बट दिस इज वेरी गुड फॉर गेटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस एथिक्स ऑन्टरप्रीनरशिप आपको इसमें पढ़ना नहीं है देर इज अपरेट सेक्शन ऑफ ऑन्टिप दैट इज नॉट इन आर सिलेबस एक और किताब है जो आप पूरी पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से बट ऑफकोर्स इट इज डिफिकल्ट मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो समराइज करके उसमें से कॉन्सेप्ट निकाल निकाल के पढ़ाऊंगा यह है कंपनी सेक्रेटरी फाइनल की किताब इसका नाम है एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ठीक है नाउ एथिक्स इज इन योर सिलेबस गवर्नेंस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस सस्टेनेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनोमी तो यहां से भी आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी सो आई बिलीव दैट यू शुड बी रीडिंग द एंटायर बुक बहुत ही अच्छी किताब है वेरी वेल रिटर्न बहुत मजा आया मुझे ये किताब पढ़ के ये हो गया हमारा एथिक्स का पूरा पार्ट जिसमें हमने गवर्नेंस भी उठा लिया टू बी एन प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नीचे आते हैं लास्ट एरिया उठाते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इग्नोर uh, करते हैं उस एरिया को एंड दैट इज इंग्लिश अब इंग्लिश में कोई यार एक बुक नहीं है विच कैन कंप्लीट योर एंटायर प्रिपरेशन बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वो आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के चले गए और उसमें से जो भी रटा है वो वहां पे जाके उगल दिया दैट डजेंट हैपन इंग्लिश की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो मैं अपना कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें एवरी वीक देर इज वन क्लास एंड आई एम नॉट जस्ट टेलिंग द स्टूडेंट्स की आंसर राइटिंग एसे राइटिंग कैसे करनी है प्रैक्टिस खाली नहीं करा रहा हूं उसके साथ साथ बहुत सारी बेसिक नॉलेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मैं दे रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बुक आउट ऑफ इट ठीक है ना जिसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी हैं अगर वो बुक लॉन्च हो पाएगी तो मैं आपको वो बुक ऑनलाइन अवेलेबल करवा दूंगा इफ दैट इज डन दैट इज द टारगेट कि अगले एक डेढ़ दो महीने में उसको कंप्लीट किया जाए प्रोजेक्ट को ठीक है आपको इसमें क्या क्या करना है इफ यू आर प्रिपेरिंग बायर सेल्फ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग दैट इज दी वे इंग्लिश पेपर्स आप पेपर भी खुद ही बना सकते हैं यू कैन ईजीली लुक फॉर इंग्लिश टॉपिक्स ऑनलाइन यूपीएससी के बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे विद द सिलेबस वो तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा हमने एक दो साल में देखा है पिछले दैट एथिक्स के से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एथिक्स इन्होंने सिलेबस का पार्ट बना दिया है सो एथिक्स फिलोसफी इन एरिया से दे है ना एससेज यहाँ से आने लगे हैं सो यू वेल वो सब आपको यूपीएससी यूपीएससी के जो भी सैम्पल एसेज होते हैं या पास्ट ईयरस होते हैं ना वहां से मिल जाएगा यू स्टार्ट डूइंग दैट ओके प्लस जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं आर सेबी और नाबार्ड के जितने भी उसमें एसेज हैं प्लीज स्टार्ट राइटिंग दोज बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है अभी कि जो भी मैं एस सी लिखूँ वो एग्जाम में आ जाए वो तो एग्जाम के एक दो महीने पहले होता है राइट नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी मैं लिखूं वो रेलिवेंट हो और रेलिवेंस कैसे पता लगेगी पास्ट ईयर से सो वट एवर है उनके एसेज लिखो इवेल्युएट करना कैसे करना है वो सब चीजें मैं यूट्यूब पे बताता रहता हूं प्लस यूपीएससी में जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं या सैंपल एसेज हैं जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स में मिलते हैं वो भी आप उठा सकते हो सो दिस इज द एंटायर प्रिपरेशन प्लान फॉर फेज टू अब आते हैं खाली करंट अफेयर्स पे कि भाई करंट अफेयर्स किस तरह से कवर करना है फेज टू का फेज टू के करंट में क्या क्या आता है नंबर वन देर इज पी आई बी डेली करंट अफेयर्स विच इज कवर्ड बाय मनीष सर तो आप यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट फॉर योर करंट अफेयर्स नीड्स ठीक है सेकेंड जो है सिक्स नहीं निकलते हैं करेंट अफेयर सी ए बना देते हैं इसको और इसमें वन सेकेंड इज फाइनेंस करेंट अफेयर विच इज कवर्ड थ्रू आर बी आई टू फोर सेवन अगेन ऑल्टरनेट डेज पे कवर होता है फाइनेंस well का, का यहां से हो जाएगा ओके थर्ड इज गवर्नमेंट स्कीम्स उसके लिए अगेन मनीसर कवर्स इत ऑन यूट्यूब तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं फोर्थ इज देर आर इंडेसिस एंड रिपोर्ट वो आपको लिस्ट अपने आप बनानी ही पड़ेगी मैं कुछ वीडियोज़ में बता देता हूँ बट बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये लिस्ट बनानी है मुझे इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग बाय माय सेल्फ ठीक है ना और लास्ट आता है हमारा एनुअल सर्वेज जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे फॉर एग्जांपल यूनियन बजट और बहुत सारे सर्वेज आते हैं जैसे सेंसस दस साल में आता है सिमिलरली है रिपोर्ट्स में आर की एनुअल रिपोर्ट आ गई ऐसी चीजें आपको उठा के कवर करनी पड़ेंगी ओके दिस कवर्स आर एंटायर करेंट ये एक एग्जॉस्टिव स्कोप हो गया जो आपको कवर करना है अब आते हैं हम फेज वन पे दिस कवर्स आर एंटायर फेज टू लेट्स कम टू फेज वन नाउ फेज वन में आपको क्या क्या उठाना है नंबर वन यू हैव क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश One, two, अब इसमें द प्रिपरेशन स्टाइल एंड द मटीरियल रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम ज्यादा चेंजेस नहीं होते दो चीजों में डिवाइड किया मैंने इसको कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो और प्रैक्टिस के लिए बुक्स अब इसको फ्लिप नहीं करना है गाइज लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक उठा लेंगे प्रैक्टिस वीडियो से कर रहे हैं आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दिस मेकिंग दिस मिस्टेक प्लीज ये मिस्टेक नहीं करिए मेरा फायदा है अगर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ वीडियो से दो दो तीन तीन घंटे बट आपका फायदा नहीं है इट विल नॉट हेल्प यू क्लियर द एग्जाम प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक कॉन्सेप्ट हमेशा वीडियो से उठाइए क्योंकि वहां से लेटेस्ट टॉपिक मिल जाएंगे लेटेस्ट एडिशंस uh, मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए हमेशा किताबें उठाइए किताबें क्या क्या आपको उठा स... हैं या उठा सकते हैं नंबर वन कैट की बुक्स या कैट का मटेरियल जो भी मार्केट में मिलता है यू कैन पिक दैट आप कैट की बुक्स में आ गई अरुण शर्मा सर्वेश वर्मा ऐसी किताबें आप उठा सकते हैं ठीक है ना बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल बी की कुछ किताबें आती हैं बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए आई लाइक द मैगजीन्स एंड द बुक्स दैट दे फॉर प्रैक्टिसिंग कैट में आर एस अग्रवाल को भी मैं डाल रहा हूँ सो यू कैन यूज दैट बुक एज वेल अगर मैं नाम लिखूं तो आर एस अग्रवाल देन देर इज अरुण शर्मा देन देर इज सर्वेश वर्मा और ऐसे एक दो और मिल जाएंगे आपको ऑथर्स विच आर गुड फॉर क्वांट एंड रीजनिंग इंग्लिश के लिए आप कैट का मटेरियल भी उठा सकते हैं या फिर मार्केट में जाएंगे तो इंग्लिश की भी बुक्स आपको मिल जाएंगी पीएसन वगैरह की दोज आर गुड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बी एस सी की बुक्स मैंने आपको बताया लास्ट इज मेरी बुक आपको एमेजोन पे मिल जाएगी फॉर क्वॉन्ट रीजनिंग इन इंग्लिश अगेन दिस इज फॉर प्रैक्टिस ओनली नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपको आज के जमाने में इन टूडेज वर्ड सोर्स बट प्लीज डोंट मेक श्योर की आप गलत सोर्स ना उठाएं वीडियो का थोड़ा सा एनालिसिस करें जिससे कि आपको वीडियो का सही सोर्स भी मिल जाए नेक्स्ट आता है हमारा एंड द लास्ट इज जीके अब जीके में स्पॉटलाइट इज द मैगजीन दैट आई रिलीज एवरी मंथ इट इज कंप्लीटली फ्री अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आप वहां जाके उठा सकते हो प्लस देर इज ल्यूसेंट फॉर कवरिंग स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके मतलब कि ये वाला डैम कहाँ है सदा सरोवर डैम लेट्स से कॉर्बेट नेशनल पार्क किधर है ये वाले बैंक की टैगलाइन क्या है ऑल दीज आर स्टैटिक जीके बोलते हैं हम इसको विच ल्यूसेंट कवर्स वंडरफुली सो यू कैन पिक इट अप फ्रॉम देअ सेकेंडली देर इज मैगजीन कॉल्ड एज अफेयर्स क्लाउड ये भी आप उठा सकते हो दिस इज ऑल्सो डिसेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं बोथ ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर फ्री स्पॉटलाइट मेरी वेबसाइट पे क्लाउड क्लाउड Cloud, की वेबसाइट पे वेबसाइट पे आप दोनों देख के कंपेयर भी कर सकते हो जो बेटर लगे वो उठा लो रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर फेज वन आप सोचोगे फेज टू का भी यहीं से करंट अफेयर्स करके चला जाऊंगा चले तो जाओगे नंबर नहीं आएंगे एग्जाम में वो एक रियालिटी है ठीक है तो ये हो गया हमारा पूरा एनालिसिस अबाउट फेज वन एंड फेज टू जितनी भी बुक्स हैं वट एवर यू नीड टू स्टडी टू प्रिपेयर वेल फॉर दर बी आई एग्जाम मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फाइनेंस आरबीआई वेबसाइट के दो पार्ट मैंने बताए प्लस भारती भी पाठक मैनेजमेंट टी एन छावड़ा सी बी गुप्ता एथिक्स के लिए सी एस फाउंडेशन की एक बुक है और सी एस फाइनल की एक किताब है इंग्लिश के लिए आई एम वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ बुक कोर्स मैंने स्टार्ट कर ही दिया है ये ये चीजें आप उठा सकते हो यूपीएससी पेपर्स पास्ट ईयर पेपर्स से भी आरबीएस नीआईबी डेली करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब पे हम कराते हैं आरबीआई टू फोर सेवन यू पे चलता है करंट अफेयर्स में आ गया गवर्नमेंट स्कीम इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स एनुअल सर्वे जो आपको खुद कवर करना है फेज वन के लिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कॉन्सेप्ट थ्रू वीडियोज प्रैक्टिस थ्रू बुक्स कैट बुक्स बी बुक्स किरण बुक्स माई बुक ये सारी यूज कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो पिकअप द स्टैंडर्ड टेक्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट जीके फोर फेज वन के लिए स्पॉटलाइट प्लस ल्यूसेंट और अफेयर क्लाउड प्लस ल्यूसेंट लूसेंट तो रहेगा ही रहेगा यू कैन नॉट रिमूव दूसरा पूरा बुक का लिस्ट फॉर द अपकमिंग आरबीआई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम कोई भी डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द एग्जामिनेशन कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन रीच आउट टू मी कहाँ पे रीच करोगे मैं आपको बता देता हूँ देर आर टू प्लेसेज देर इज फोन नंबर डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव देर इज ई मेल इन एट द रेट अनुज जिंदल डॉट इन ठीक है और लास्ट है अगर वेबसाइट पे जाओगे वहां पे नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो द टीम सिट्स फ्रॉम नाइन ए एम टू सिक्स पी एम तो इसमें मैं टाइम लिख देता हूं नाइन ए एम टू सिक्स पी एम वेबसाइट का नाम है डब्ल्यू 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 डॉट जिंदल डॉट इन ठीक है तो ये हो गया हमारा पूरा कवरेज बुक लिस्ट का फॉर दी अपकमिंग आरबीआई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय जय हिंद